Welcome to SP Notifier, and today we will discuss about our new vacancy, that is Ordnance Factory Recruitment Center. बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत ही लगभग ये मान के चलिए कि आपके पास जो वैकेंसी आई वो लगभग 6000 के ऊपर वैकेंसी आई है, बम्पर वैकेंसी आई है. तो इस वैकेंसी में कौन लोग फॉर्म फिल्ड कर सकते हैं, कौन लोग फॉर्म फिल्ड नहीं कर सकते, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है और कैसी और इसमें क्या एज लिमिट है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे आपको लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट डेली आपको मिलती रहे. तो हम चलते हैं अपने मेन कि कितनी सीटें हैं. पहले हम यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हैं, वो लगभग देख सकते हैं 6060 हैं, जिसमें से 38000 के आसपास आईटीआई में हैं एंड 3800 आपके आसपास आईटीआई में है एंड 2200 आपके पास नॉन आईटीआई में है. ठीक है, तो अच्छी वैकेंसी है, आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों के हैं. नॉन आईटीआई के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ. नेक्स्ट हम इसमें देख सकते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 से स्टार्ट है और क्लोजिंग ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर को इसका एप्लीकेशन क्लोज हो रहा है. एज लिमिट इसकी देख सकते हैं 15 to 24, मतलब जस्ट जिन्होंने 10th पास किया है वो इस एग्ज़ाम को फिल्ड कर सकते हैं 15 to 24. बाकी जो कास्ट एज रिलैक्सेशन होता है वो सभी को मिलेगा. नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है. तो क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, नॉन आईटीआई मतलब 10th क्लास, नॉन आईटीआई 10th क्लास, इसमें मिनिमम 50% होना चाहिए. ठीक है, 10th में मिनिमम 50% होना चाहिए. अगर आपके 45% है तो आप एलिजिबल नहीं है. दूसरा कंडीशन क्या है कि इसमें मैथ और साइंस का अलग अलग 40% होना चाहिए. ठीक है, ईच मतलब इसमें 40% होना चाहिए, इसके ऊपर होने चाहिए. अगर आपका मैथ में 35% है और ओवरऑल आपका 50% है तो आप एलिजिबल नहीं है. शायद मेरी बात समझ गए होंगे, कोई डाउट है तो आप मैसेज जरूर करिएगा. नेक्स्ट है आईटीआई वालों को 10th में 50% चाहिए बस. अब हम चलते हैं कि इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा. तो मोड ऑफ सिलेक्शन फ्रेंड्स, इसमें आपको एग्जाम नहीं देना. ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट. द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर नॉन आईटीआई एंड आईटीआई. मतलब आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा. तो इसमें कोई एग्जाम नहीं है. मेरे हिसाब से सारे डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए, तो इसमें कोई आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है. अब इम्पॉर्टेंट बात यह है इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें ट्रेनिंग होगा. देख सकते हैं इसमें 1 साल की ट्रेनिंग होगी और 1 साल की ट्रेनिंग सक्सेसफुल होने के बाद ही आपको वो सेलेक्ट करेंगे. तो इसमें आपका 1 साल की ट्रेनिंग होगी, ध्यान रखिएगा, इसके बाद ही आपको लिया जाएगा जब आपका सिलेक्शन होगा. और साथ में आपको कुछ स्टीफन दिया जाएगा, कुछ आपको मंथली पैसा दिया जाएगा. अब ये आप नोटिफिकेशन में आप जाकर देख सकते हैं. नोटिफिकेशन का लिस्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. सारा आपको दे रखा है कि कितना परसेंटेज ये लोग आपको पे करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग, कितने साल जो भी ट्रेनिंग होगी. ठीक है, तो ये थी जानकारी. अगर आप चैनल पे नए हैं तो SP नोटिफायर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें. तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद.